प्रण लेनी है, हम सब ने प्रतिज्ञा लेनी है, हम सब ने रिजॉल्व लेना है। और रिजॉल्व ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, ये हमारा भारत है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित, आप सभी को हमारे और एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो है खास करके यंग लड़की और यंग लड़का के लिए, तो ये वाला वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुभ संध्या, मेरा नाम सुप्रिया भगत है, मैं कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा केंद्रीय विद्यालय सिरदा की ओर से आज आप सभी के समक्ष युवा कैसे हमारे भारत देश को सुपर पावर बना सकते हैं इसके ऊपर कुछ विचार लेकर यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। सुपर पावर, क्या है सुपर पावर, कौन है सुपर पावर, किसी भी देश के लोग, उसकी जनता, उसकी युवा पीढ़ी ही सुपर पावर होती है। हमारा भारत देश समस्त विश्व में युवा देश के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ आप सभी को तो पता ही होगा, युवा देश का अर्थ क्या होता है। हमारे इस 142 करोड़ की आबादी वाले देश में 60% जनसंख्या युवाओं की है। इट इज नेवर द फैक्ट, बट द रियलाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट मेक्स अ डिफरेंस। फैक्ट ये है कि हमारा भारत एक यंग नेशन है, मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो 30 इयर्स। और इस हिसाब से साबित करना है कि हम हमारे देश को कैसे विकसित कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि हमारा भारत एक यंग नेशन है, तो इसको इसका क्या मतलब है, इसे क्या साबित होता है। इसका यह मतलब है कि अगले 25 साल तक भारत यंग रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, इनोवेटिव रहेगा, क्यूरियस रहेगा, क्रिएटिव रहेगा एंड फुल ऑफ एनर्जी रहेगा। चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्टैटिक वर्ल्ड हो, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो, वो कल्चर या टूरिज्म ही क्यों ना हो, हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम सब ने प्रण लेनी है, हम सब ने प्रतिज्ञा लेनी है, हम सब ने रिजॉल्व लेना है। और रिजॉल्व ये है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद संभालेंगे, हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे, ये हमारा भारत है। हम इसको अपने तन में, अपने मन में, अपने श्वास में, अपने रग रग में बसाएंगे। और यकीन मानिए, जब ये हो जाएगा अगले 25 सालों बाद हम अपना शताब्दी महोत्सव बनाएंगे, जिसके लिए भारत हमें हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रखेगा। तो आइए मिलकर भारत को वर्ल्ड लीडर बनाते हैं, इसको पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाते हैं। यह सफर अमृत महोत्सव से शताब्दी महोत्सव का सबसे समृद्धपूर्ण और बढ़िया सफर रहेगा। युवा देश का अर्थ ये नहीं होता कि कौन सा देश कितना कितना मतलब कितना विकसित है या फिर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। सुपर पावर का मतलब ये नहीं होता कि कौन सा देश कितना गोला बारूद बनाता है, किस देश की आर्मी कितनी ज्यादा ताकतवर है, या कौन सा देश के पास कितनी ज्यादा आर्मी है। इसका हाँ, ये पहले इसको पहले कंसिडर किया जाता था, पर आज के समय में सुपर पावर की असली परिभाषा वही है जिसके पास सबसे ज्यादा आर्थिक व्यवस्था है। जिस देश की आर्थिक व्यवस्था सबसे अच्छी है, वही सही मायने में सुपर पावर की पूरी परिभाषा को पूर्ण करता है। अब के समय में यूएस अपने आर्थिक व्यवस्था को लेकर पहले नंबर पर आता है और हमारा भारत पांचवें नंबर पर आता है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि हम क्या करें कि हमारे भारत को और आगे लेकर जाए और विश्व गुरु बनाए। तो इसके लिए सबसे पहला कदम है कि क्रिएटिंग द आर्मीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर उतने ज्यादा बिजनेस, जितने ज्यादा बिजनेस उतने ज्यादा जॉब, जितने ज्यादा जॉब उतने ज्यादा टैक्स, द मोर द टैक्स द बेटर द कंट्री। स्वनिर्माण और विकास ही देश के विकास के लिए पहला कदम है। युवा ऊर्जा अपने आप को अगर विकसित करे, अपने आप को अगर अच्छे से निर्माण करे, तो वो बहुत पीछे नहीं कि हम सही मायनों में एक युवा देश कहलाएंगे। मैं ये नहीं मानती कि सिर्फ 20 से लेकर 35 साल के लोग ही युवा कहलाते हैं। हर एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाना चाहता है, जो अपने राष्ट्र को बढ़ावा देना चाहता है, हर वह व्यक्ति जो संघर्ष से भरा है, वही सही मायने में युवा कहलाता है। तो अंततः मैं अपने भाषण को विराम देने के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ जो आपके अंदर जज्बा भरेंगे। संसाधनों का सेतु बनाकर हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, संसाधनों का सेतु बनाकर हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को, घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान अधिकार दिलाना चाहते हैं। हाँ, हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। आरक्ष के इस द्वंद में
पल लेकिन उस बेटी को आरक्षण दिलवाना चाहते हैं। हाँ हम राष्ट्र निर्माण कराना चाहते हैं। हाँ हम राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।